कालों के काल बाबा महाकाल के दरबार में आज पुजारी पुरोहित तथा भक्तों ने मिलकर ब्रह्म मुहूर्त में बाबा महाकाल की भस्म आरती और आज चांद पर लैंडिंग करने जा रही चंद्रयान 3 की सफलता की कामना की। बाबा महाकाल की भस्म आरती प्रारंभ होने से पहले पंचामृत पूजन महाभिषेक किया गया। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए विशेष मंत्रों का उच्चारण किया गया। आज भस्म आरती में भगवान महाकाल से जो हिंदुस्तान का सपना है उसको पूरा होने के लिए प्रार्थना करी है। जैसे कि आज शाम को 6 बजे करीब चंद्रयान 3 चंद्रमा पे लैंड करेगा, जो भारत के लिए एक गर्व का पल रहेगा उसके लिए प्रार्थना करी गई है और भारत को विश्व गुरु की पहचान प्राप्त होगी। ये हर भारतवर्षी और हर भारतवासी का सपना है कि भारत की उन्नति प्रगति होती रहे। ऐसे ही भगवान महाकाल से पुजारी परिवार द्वारा और भक्तों द्वारा प्रार्थना करी गई है कि भारत को एक अच्छी से अच्छी और विश्व गुरु की पहचान मिले, वो भारत ऐसे ही तरक्की करता रहे। बाबा का भांग तथा सूखे मेवे से श्रृंगार किया गया। हर कार्य की सिद्धि तथा कामयाबी के लिए सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा होती है, इसलिए बाबा महाकाल का आज भगवान गणेश के रूप में श्रृंगार किया गया। आज के इस खास महाभिषेक और आरती में देश के कोने कोने से भक्तों ने बाबा महाकाल के दरबार में आकर राष्ट्र की उन्नति के लिए आराधना की। हाथ में तिरंगा तथा चंद्रयान 3 का चित्र लिए वे महाकाल से प्रार्थना करते दिखाई दिए। आज हम यहाँ महाकाल के दर्शन करने आए हैं। आज बहुत ही खास दिन है, चंद्रयान 3 चंद्रमा पे आज उतरने वाला है, तो उसकी सफलता के लिए हमने प्रे किया है और हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो हम सबको मुबारक हो और हम बहुत खुश हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि चंद्रयान 3 का चंद्रमा पर आज लैंड करने वाला है, तो हम लोग महाकाल से भी उसके लिए प्रार्थना किए हैं। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने जीतोड़ मेहनत किया है और एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है इसके लिए, लेकिन विज्ञान के साथ साथ सनातन का भी एक अपना महत्व है। हमने बाबा भोले से प्रार्थना किया है कि सब कुछ अच्छे तरीके से हो जाए ताकि इस पूरे विश्व में हमारा देश का एक नया कीर्तिमान स्थापित हो। आपको बताते चलें कि चांद पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए 6:04 का समय दिया गया है। भारत आज अंतरिक्ष की दुनिया में इतिहास रचने से बस कुछ ही कदम दूर है।